सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया था, जहां पर हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि भोले बाबा के दर्शन करने के लिए तीन वाहन, जो यूपी नंबर के वाहन हैं, ये तीनों बसें जो हैं वो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी, जहां पर अखनूर के पास तुंगी मोड़ क्षेत्र में एक बस है जिसका नंबर UP81CT4058 जो अनियंत्रण होकर मोड़ से गहरी खाई में गिर गई, जहां पर आपको बता दूं कि मरने वाले का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मरने वाले का आंकड़ा 21 पहुंच गया है, जबकि 40 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें जो है वो स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया था, जबकि इन्हें अखनूर हॉस्पिटल में ले जाया गया था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को जो है वो इनकी हालत को देखते हुए GMC जम्मू में रेफर किया गया है, जबकि 21 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो चुकी है और अभी राहत कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। कुछ आशंका ये जताई जा रही है कि बस के नीचे भी कुछ लोग और ना दबे हों। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि पुलिस की टीम जहाँ पर पहुँची है, SDRF की टीम मौके पर पहुँची है, तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं आप कि क्रेनों की मदद से बस को खींचने का प्रयास किया जा रहा है। जो और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, लाइव दृश्य आप देखेंगे कि किस तरह से बस जो है वो गहरी खाई में चले गई है। 21 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो चुकी है और 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और रास्ते को खुलाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बस को जो है वो बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जाम भी की स्थिति उत्पन्न हो रही है और पुलिस जो है वो वहाँ पर जाम को भी खुलवा रही है। तो फिलहाल ओम शांति ओम जरूर लिखें, एक परिवार नहीं कहेंगे बल्कि पूरे गांव के लोग, जो बताया जा रहा है कि यूपी के लोग थे, तीन बसें थी, भोले बाबा के आधार शिविर रणसू में दर्शन करने के लिए जा रहे थे और जो ड्राइवर हैं, एक तीखे मोड़ से बस जो है वो सीधी ही नीचे आ जाती है। इसका क्या कारण रहा होगा इसके बारे में जो है वो पुलिस जाँच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जो है वो नींद की जबकि आ गई, जिस कारण ये बड़ा हादसा पेश आया और कई भी कीमती जाने चले गए हैं। कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से इनके साथ ये हादसा पेश आएगा और ये लोग जो है वो उस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। 21 लोगों की मौत हो गई है जबकि 40 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ओम शांति ओम जरूर लिखें, ताकि भगवान से भी प्रार्थना करें कि इन मृतक लोगों की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे जैसी जय की न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।